गाइस, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। आज जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ, गोदरेज वृक्ष जो सेक्टर 103 में लॉन्च हुआ है, उसका सैंपल फ्लैट। ये 4.5 BHK है, एक स्टडी रूम भी है। तो अभी मैं आपको सैंपल फ्लैट का टूर कराऊंगा। तो ये फ्लैट की एंट्री है और ये सर्वेंट रूम की एक सेपरेट एंट्री भी है, अंदर से भी एंट्री और सेपरेट है। तो अभी हम फ्लैट के एंटर है, फ्लैट के एंटर। गोदरेज एक वेल नोन बिल्डर है इंडिया का, आप देख सकते हैं। ये दरवाजा भी अच्छी क्वालिटी का, मटेरियल्स वगैरह अच्छा यूज करेंगे हम। जैसे ही घुसते हैं ये फ्लैट में, ये आप देख सकते हैं लंबा। सबसे पहले आ जाता है आपका गेस्ट बेडरूम। गोदरेज की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये रूम साइजेस वगैरह बहुत अच्छे देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूम साइज है इसका। आप अगर इस साइड से देखेंगे, यहाँ पर ये कैबिनेट का एरिया हो गया। इसमें आपको एसी एंड मॉड्यूलर किचन मिलेगा। बाकी गोदरेज कोई आपको इंटीरियर से कुछ रिलेटेड नहीं देता है, वॉशरूम इनका कंप्लीट होता है। ये इनका वॉशरूम एरिया हो गया। गोदरेज वृक्ष सेक्टर 103, और मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 4 BHK विद सर्वेंट विद 3,250 स्क्वायर फीट। इस रूम के साथ ये बैल्कनी आ जाती है। ये बैल्कनी आप देखिए, एकदम लंबी बैल्कनी आ जाएगी, ये लॉन्ग बैल्कनी एकदम। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग का हो गया और ये आपका एक रूम हो गया। तो ये सैंपल फ्लैट इनका बना हुआ है, अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अभी भी कंपनी के पास इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। अब अपने अंदर देखेंगे। तो ये जो हमने जो देखा था अभी, ये गेस्ट बेडरूम आप कह सकते हो, क्योंकि एंटर होने के राइट हैंड साइड में सर बाथरूम भी अटैच था। हाँ, पहले मैं आपको ड्राइंग डाइनिंग दिखा देता हूँ। ये जैसे डाइनिंग का एरिया हो गया और ये आपका ड्राइंग का एरिया। अगर उधर से भी आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा स्पेशियस है और ये पूरा बैल्कनी का एरिया है। ये पूरा लंबी खासी बैल्कनी हो जाती है, यहाँ से आप पूरा एंटर हो सकते हैं इसमें ना। ये ऐसे खोल के वो सेम बैल्कनी आ जाती है जो वो बेडरूम के साथ अटैच थी। अब ये आपका ड्राइंग डाइनिंग हो रही है। इसके बाद ये किचन है इनका, ये ओपन किचन है। इधर आप अगर इधर से देंगे, इसमें लोअर कैबिनेट्स पूरा बना हुआ आपको मिलेगा। इधर आप अगर इधर से भी देखते हैं, अच्छा स्पेशियस नजर आए। और ये चिमनी हॉब मिलेगा इसमें, और ये आपका इधर फ्रिज का एरिया हो जाता है। ये फ्रिज का एरिया हो गया, फ्रिज इसके साथ नहीं है। और इधर आपका वेट एरिया हो गया, तो उससे क्या होता है कि वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। और ये आ जाता है आपको यूटिलिटी बैल्कनी, वो उधर। ये यूटिलिटी, यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन रखने का जगह हो गया। ये आपकी यहाँ से आपको सर्वेंट रूम कनेक्टेड है इसमें, ये यहाँ से सर्वेंट रूम कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्वेंट रूम का वॉशरूम है, ये आप उसका बेडरूम है, सर्वेंट रूम है। करीब 15 एकर्स के आसपास का प्रोजेक्ट है, करीब 600 के आसपास अपार्टमेंट्स है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और MyOne टेक्नोलॉजी भी अच्छा। हाँ, इसमें क्या है, जैसे कि मैं जो आपको बता रहा था स्टडी रूम काइंड ऑफ, तो ये स्टडी रूम काइंड ऑफ आप बना सकते हो। या किसी को मंदिर बनाना है, मंदिर में काम आ गया, या किसी को ऑफिस टाइप का बनाना है, मतलब बहुत यूज में आ जाएगा ये चीज। अब क्या है, ये जो वॉशरूम है, ये आपका एक कॉमन वॉशरूम के तौर पर यूज हो जाएगा। और ये एक बेडरूम के साथ भी अटैच है, देखिए। इसमें गोदरेज ये लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसमें क्वालिटी वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले ये। और ये वाला जो वॉशरूम है, इस रूम से अटैच है। मैं आपको आगे रूम से एंट्री करके दिखाऊंगा। ये अभी हम लोग रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। आप रूम के साइजेस में जरूर नोटिस करना, इतना अच्छा लेआउट, इतना अच्छा कहीं पर जल्दी मिलता नहीं है, अगर आप वहां से भी देखते हैं। अच्छा हाँ, ये वार्डरोब का एरिया दिखाना। तो यहाँ पर प्रॉपर वार्डरोब बनने के बाद भी आपको स्पेशियस रूम मिल जाता है, अगर वहां से आप देखते हैं। इसमें से ये इधर, इसमें एक एल शेप की बैल्कनी है, तो यहां से आप बैल्कनी कनेक्ट हो जाएगा इसमें।
वॉशरूम इसमें अटैच है, जो मैं आपको बोल रहा था, जो कॉमन में भी यूज हो जाएगा और इस बेडरूम के साथ भी अटैच हो जाएगा। मेरा नाम अमित अग्रवाल है, अगर आपको कोई विजिट करना है या सैंपल देखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर भी विजिबल है। हाँ ये देखिए, ये इनका हो गया आपका थर्ड बेडरूम। पहला मैंने आपको जो दिखाया था जैसे हम लोग एंटर होते हैं, फिर एक कॉमन वॉशरूम के साथ, और ये देखिए रूम बेड वगैरह। अगर ये तो इन्होंने थोड़ा छोटा कर, अगर यहाँ भी आ जाएगा तो आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है। अगर उधर से भी आप देखते हैं, देखिए अच्छा है, वार्डरोब के लिए भी जगह हो गया। हाँ ये वाला इसी रूम का जो है ना, ड्राइंग रूम के साथ जो बैल्कनी थी उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ये जो लॉन्ग लंबी सी बैल्कनी थी। ये इनका वॉशरूम हो गया, वॉशरूम भी देखिए अच्छा है। मटेरियल्स कॉलर वगैरह का है, तो अभी तो ये कॉलर है, क्या फ्यूचर में हो सकता है कुछ अच्छा और ला दीजिए, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा, ये मास्टर बेडरूम है, देखिए बहुत ही शानदार, मतलब आपको देखने से ऐसा फील होता है यार इसे हम घर कहते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि बिल्डर्स छोटे छोटे रूम बना देते हैं, उसमें कुछ फायदा ही नहीं होता है। आप अगर इधर से भी देखेंगे, हाँ अच्छा इसमें क्या है, जैसे यहां से ये बालकनी कनेक्टेड है, पूरी लंबी बालकनी आ जाती है इसमें, जैसे यहां से हम लोग घुसे ये इधर बालकनी आ गई, पूरी रैप अराउंड बालकनी है एकदम, ये इधर से भी ये बालकनी हो गई पूरी, मतलब ये रूम की पूरी पूरी बालकनी हो गई है ये इधर, अच्छी खासे मतलब बहुत ही प्यारा लेआउट, बहुत ही प्यारा, मतलब मेरे हिसाब से तो किसी को मिस नहीं करना चाहिए ये प्रोजेक्ट। आप देखिए मतलब पूरा रूम के साथ अटैच, मतलब एक देखने से कितनी मतलब खुशी फील हो रही है, क्या ऐसा मतलब चीज किसी बिल्डर ने लॉन्च किया है, अदरवाइज तो क्या है कोई ऐसा इधर उधर कुछ भी लॉन्च कर देते हैं, मतलब इतना पैसा आज के टाइम में सब 5-6 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको घर अच्छा, एटलीस्ट घर तो अच्छा मिले। तो मैं जो बता रहा था अभी आपको, क्या हम लोग वहां से एंटर कर रहे हैं और हम लोग इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब मैं इसका क्लोजेट दिखाता हूँ, ये क्लोजेट का एरिया है, आप देखिए ये पूरा ही क्लोजेट का एरिया हो गया, वार्डरोब वार्डरोब कैविटी मतलब जगह देंगे ये, बना के नहीं देंगे, और ये इनका वॉशरूम हो जाता है, देखिए ये लंबा सा एकदम जगह हो गया। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आसपास में और अच्छी डेवलपमेंट हो जाए। मेरा नाम अमित अग्रवाल है, अगर आप कुछ भी इस प्रोजेक्ट के बारे में लेआउट जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, सैंपल फ्लैट विजिट करना चाहते हैं या ब्रोशर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे कॉल करो, मेरा नंबर विजिबल है, ये नंबर व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल लोगो हो, बेल लोगो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर बेल क्लिक करिए, तो उससे क्या होता है कोई भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज वगैरह आपको मिलते रहता है। Thanking you so much.